Hello students, in this video we solve the exercise 9.1 and discuss question number 11. Two poles of equal height, दो पोल हैं और उसकी हाइट्स क्या है, इक्वल है, और स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आदर साइड ऑफ द रोड. एक रोड है आपका, उसके दोनों तरफ क्या है, एक दूसरे के सामने ये स्टैंड है, पोल्स स्टैंडिंग कर रहे हैं. ओके, विच इज 80 मीटर वाइड, उसके बीच के जो रोड क्या है 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, दो पोल्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, टू पोल्स. ओके, जी आपका रोड है, ठीक, इस रोड है आपका, ये दोनों पोल है, हाइट क्या है, इक्वल है, ये भी आपका एच मीटर, ये भी क्या है आपका एच मीटर. ओके, वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, एक पॉइंट है. ओके, आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30. तो 60 डिग्री सपोज करो, ये पॉइंट यहाँ से इसके टॉप से जब इसको लाएंगे 60 डिग्री बन जाएगा आपका. यहाँ से इसकी जो पॉइंट है यहाँ, ये कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक. यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वह है आपका 80 मीटर ना, गिवेन है सब. तो सपोज करते हैं, ओके, आगे देखते हैं क्या है. रेस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. ओके, जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, इसके हाइट हमें फाइंड करना है, और ये पॉइंट है इस पोल से कितने डिस्टेंस पे है, और इस पोल से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट रोड पे है. ओके, ये बताना है हमें. तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे ए बी सी डी ई. ओके, ए बी एंड सी डी आर द पोल्स. ओके, टेक पॉइंट ई ऑन द रोड विच मेक्स एंगल 60 एंड 30 टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग्स. ओके, पोल्स है, बिल्डिंग नहीं है, पोल है आपका. और यहाँ से जो ई का पॉइंट है, एक बिल्डिंग से एक से एक सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस, और इसको जब होगा तो इसमें माइनस कर देंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स. ओके, ये डिस्टेंस आपका यहाँ से मिल गया, ठीक ना, इसको एक्स. अब एक्स और एक्स एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है ना. देखते हैं, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर पोल्स, ठीक, लेट द हाइट हाइट ऑफ द पोल इज एच मीटर. ओके, एंड ई इज द पॉइंट ऑन द रोड विच इज मेक्स एंगल्स लिखते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द टॉप ऑफ पोल. ये तो फिगर के बारे में लिखे, क्या क्या है ना, ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस वाला नहीं लिखे, उसको कोई दिक्कत नहीं उससे. तो ये सब तो हो गया आपका, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम लोग, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन देखेंगे. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपका, ठीक, कैलकुलेशन लॉन्ग है, सोल्यूशन तो ये हो गया. अब देखो फिगर क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई देखते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल क्या है 60, तो टैन लेते हैं, टैन 60 या चपान एक्स क्या होगा आपका, या चपान एक्स. तो यहां से आपको 60 की वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3 इक्वल टू या चपान एक्स. तो यहां से मिल जाएगा आपको
एच एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, देख रहे हैं ना कि ये टेन सिक्सटी इक्वल क्या था अंडर रूट थ्री, ओके। तो एच अपान एक्स हो गया आपका, तो एच अपान एक्स इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री एक्स होगा, लेकिन हमें एक्स चाहिए तो क्या होगा अंडर रूट थ्री इस तरफ आएगा, तो क्या होगा आपका एक्स अपान अंडर रूट थ्री क्वेश्चन वन, ओके। एंड ट्रायंगल ए सी डी ई, सी डी ई एंगल कितना है 30, tan 30 इक्वल टू क्या होगा आपका h अपॉन at माइनस एक्स, देख रहे हैं ना ये जो डिस्टेंस है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan लग रहा है आपका, तो tan 30 क्या होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन at माइनस एक्स, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 एच, ठीक है ना, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये इस तरफ आया प्लस होगा, ये उस तरफ जाएगा माइनस होगा, तो क्या होगा 80 माइनस अंडर रूट 3 एच, ध्यान दें फिर से, ये जो एच है इस तरफ लाएंगे क्या होगा प्लस होगा आपका, ठीक है ना, ये जो प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस होगा, तो क्या आएगा 80 माइनस अंडर रूट 3 एच, ओके। इसको सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब फ्रॉम हमें देखो एच की वैल्यू चाहिए, तो कंपेयर कर लेते हैं, है कि नहीं, एच एक्स इक्वल टू ये भी है, एक्स इक्वल टू ये भी है, दोनों कंपेयर करके एच में आपको इक्वेशन मिल जाएगा, एच कैलकुलेट करेंगे, ओके। फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा आपका एच अपॉन अंडर रूट 3, देखो एक्स ये भी एक्स है तो ये दोनों क्या लेफ्ट है बराबर, तो राइट होगा आपका इक्वल होगा, तो एच अपॉन रूट 3 इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस अंडर रूट 3 एच, ओके। इसको इस तरफ लेते हैं, एच को हमें फाइंड करना है, तो एच को एक तरफ लेना ही है, एच अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 एच इक्वल टू 80, समझ आया ना, तो अब हमें एच देखो दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, एच कॉमन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 80, क्लियर। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा आपका 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 80, ठीक, देख रहे हैं मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 4 हो जाएगा एच इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 80, तो एच इक्वल टू क्या होगा 80 अंडर रूट 3, ये मल्टीप्लाई क्लास होगा, अब 4 मल्टीप्लाई से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू क्या आएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर, पास में मैं नहीं, ये तो एच की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब हमें देखो एक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ पोल इज 20 अंडर रूट 3 मीटर, ओके। ये तो इसका आंसर आया, अब पूछ रहा है जो पॉइंट ई है वो इस पोल से कितना डिस्टेंस पे है और इस पोल से कितना डिस्टेंस पे ये फाइंड करना है, तो लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम पोल AB टू द पॉइंट A, ओके। तो इक्वेशन में देख रहे हैं ना, x इक्वल टू क्या है हमारा h अपॉन x है h अपॉन रूट 3, ओके। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, h की वैल्यू हमने कहाँ फाइंड किया, यहाँ पे है 20 अंडर रूट 3, एच की वैल्यू है अंडर 3 और ये अंडर 3 कैंसिल कर देगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 20 मीटर, ओके। तो एक डिस्टेंस से 20 मीटर आएगा और इस तरफ से क्या आएगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अदर पोल क्या होगा 80 माइनस 20, यहाँ पे देखो 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा 60 मीटर,
वास्तव में ये आंसर हो गया आपका, एक आंसर यहाँ पे है, ठीक। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, वास्तव में आया, पूछ रहा था क्वेश्चन पोल में पोल का हाइट क्या है आपका, और जो पॉइंट आपका रोड पे है उस पोल से कितनी कितनी डिस्टेंस पे आपका है, इसको फाइंड करना है, क्लियर।